बेकार ही गुस्सा किया। मुझे उन्हें समझना चाहिए था, ये सब उनके लिए भी तो उतना ही नया है जितना कि मेरे लिए है। मुझे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। कहाँ गए वो? पता करती हूँ। शिवा ने मारा ये वाला पता भी ढूंढ निकाला है। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जो आज के आज ही असर दिखाए। ये जगह हमारे लिए रहना सही ना है, कोई नई जगह ढूंढनी है। हवेली में वापसी मुबारक हो चकोरी रानी। रसाल, ये हुआ। संभल के, ठीक है ना? मैं तेरे लिए काढ़ा बना लाती हूँ और कल के तेल मालिश के लिए तेल भी पका के लाती हूँ। अंदाइमा, घर में आपको घूंघट रखने की जरूरत नहीं है, उठा सकते हैं। ऐसी हालत में क्या कर रही है छोरी? इस राजमहल जैसे घर में तेरी देखभाल करने वाला कोई है ना का? मैं हूँ यहाँ अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। जब तेरे बहन के ऊपर ये अनाज की बोरी गिरने वाली थी। हाँ भाई साहब, वो ना मैं समरसा को ढूंढने निकली थी, अचानक से ये अनाज की बोरी मेरे ऊपर आ गिरी। वो तो भला हो इनका जो इन्होंने मुझे और छोटी रसाल दोनों को बचा लिया। अरे गणवा भारा ब्रो, तू ठीक है ना लटो? लगी तो ना तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं था ना।
मैंने बापूजा से वादा किया था कि थारा हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन आज आज मारे से चूक होगी, माफ कर दे मारे को। हाँ भूल तो हुई है, घटना घटी ना है, इसलिए आपको घटने की गहराई का अंदाजा ना है। ये छोरी पेट से है, लेकिन इसे देख के ऐसे लगे है कि कोई है ना इसके लिए। आप सबकी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, पर मैं देख रही हूँ कि ये छोरी तो खुद को ही अकेले संभालने में लगी है। दाई हूँ मैं, मुझे जच्चा और बच्चा का हाल ना छुपता। घड़ो आबारा परो भाई साहब, आज आपने मारी बैंड को बचा के मारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये रखिए, ये पैसे अपने पास रखो, पैसों की भूख ना है मुझे। इस दाई के पास किसी चीज की कमी है तो वो है छत और रोटी। अगर आप लोग कहो तो मैं किसी की सेवा करने का काम कर सकती हूँ, और काम में किसी को शिकायत का मौका ना दूंगी। औरत जब पेट से हो गए हैं ना, उनको पैर के नीचे तकिया रखना चाहिए, इससे पैर में सूजन ना आती। मैं तेरे लिए काढ़ा बना लाती हूँ और कल के तेल मालिश के लिए तेल भी पका के लाती हूँ। अंदाइमा, घर में आपको घूंघट रखने की जरूरत नहीं है, उठा सकती हैं। औरत जब पेट से हो गए हैं ना, उनको पैर के नीचे तकिया रखना चाहिए, इससे पैर में सूजन ना आती। मैं तेरे लिए काढ़ा बना लाती हूँ और कल के तेल मालिश के लिए तेल भी पका के लाती हूँ। अंदाइमा, घर में आपको घूंघट रखने की जरूरत नहीं है, उठा सकती हैं।